सोयाबीन जो है प्रमुख खाद्य तेलों में से एक आता है और उसके अंदर चाहे कितना भी रकबा हम लोग बना लें, क्योंकि भारत का जो खाद्य तेलों पर विदेशों की जो डिपेंडेंसी है, जो हम भारत के अंदर इतना हमारे पास ऑयल सीड नहीं उगा पाते जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, लगभग 60% से अधिक भारत को ऑयल सीड यानी तिलहन का या खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है। तो महत्वपूर्ण ये होगा कि जब तक 25-30-40% की एक बड़ी रकबा नहीं बढ़े और उसके अंदर बड़ी पैदावार ना हो, उसका बहुत विशेष असर भारतीय फसलों पर नहीं पड़ता है। महत्वपूर्ण ये रहता है कि जो प्रमुख सोयाबीन उत्पादक देश हैं, वहां पर मौसम कैसा रहे, वहां पर उनकी एक्सपोर्ट कैसी रहे, अमेरिका की जो एक्सपोर्ट की पॉलिसीज है वो कैसे रही, और साथ साथ में जो सबसे बड़ा जो सोयाबीन का कंज्यूमर देश माना जाता है वो है चाइना, वहां पर सोयाबीन की कितनी खपत और कितना वो इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। और उसके बाद फिर यदि हम देखें कि फिर सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो है पाम ऑयल, क्योंकि खाद्य तेलों में पाम ऑयल का अपना रोल है, इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल है, इसका अपना रोल है। तो कुल मिला के सारांश के रूप में ये हम कह सकते हैं कि हमारा अधिक पैदावार कर लेना या कम, बहुत ज्यादा कम पैदावार करना कोई बहुत ज्यादा असर नहीं करेगा, और ये सारी जो इसकी सारे तालों की एक ही चाबी है, वो चाबी है विदेशी बाजार के अंदर सोयाबीन के भाव। और यही चीज आपको याद होगा जब जनवरी के अंदर जब भारत सरकार ने सोयाबीन की तेजी को देखते हुए सोया ऑयल और रिफाइंड के ऊपर, तिलहन के ऊपर जो ऑयल सीड है उसके ऊपर वायदे में रोक लगाई थी, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि आपको धैर्य रखना है, 1020 का जो उस टाइम रिफाइंड चल रहा था, सोया तेल चल रहा था, वो बाजार में 1700 रुपए तक बिका लगभग 30-35 दिन के अंदर ही। तो कहने का और बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि सरकार बहुत अच्छी बात है इस पर प्रयास करे, और इसके अंदर वो प्रयास सरकार प्रयास कर भी रही है कि जो तिलम संघ वगैरह है उसके अंदर पाम ऑयल के पाम की खेती ज्यादा हो, पैदावार ज्यादा हो, सोयाबीन के अच्छे बीज मिले, ये सब कुछ है, लेकिन डिस्पैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उसके अंदर यही मेरा कहना है कि सोयाबीन के अंदर बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी आने वाले समय के अंदर सीजन पूरा पड़ा है और दूसरी चीज फसल में भी टाइम है। तो इस तरह को देखते हुए, लेकिन एक अच्छी बात जरूर है कि सरसों का शानदार पैदावार से फर्क जरूर पड़ा है, और जो 25-24% की जो अधिक रकबा सरसों की थी उसका असर भी सोयाबीन पर पड़ रहा है। और अक्सर ये होता था कि सरसों सोयाबीन से महंगी दिखती थी, सरसों का तेल भी जो है खाद्य तेल वो सोया तेल से महंगा दिखता था, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, सरसों का तेल सोयाबीन से सस्ता है और सरसों भी सोयाबीन से सस्ती है। ये फर्क जो है ये बड़ा आश्चर्यजनक है, और अमूमन जो खाद्य तेलों का काम करते हैं और जो उसका इस्तेमाल करते हैं उनको उनके लिए यदि है तो अब सवाल यही रहेगा कि किसानों को सोया का भाव अच्छा मिले, दूसरी चीज उपभोक्ताओं को उचित मुनाफा लेने के बाद कंपनियां उपभोक्ताओं को सही दाम पर माल बेचे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। और दूसरी चीज जो लिमिट की बात जो है, जो सरकार यदि लिमिट लगाती है तो वो उसका समान रूप से होना चाहिए, इंपोर्टर्स के ऊपर भी लिमिट होनी चाहिए, एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी लिमिट होनी चाहिए, मिलर्स पे भी लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंपोर्ट तो बेताशा कर रहे हो और आप डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आपने लिमिट लगा दी है, तो ये इससे जो छोटे किसान है या छोटे व्यापारी हैं उनको बड़ी परेशानी होती है कि आप इंपोर्ट हो रहा है, बड़ा से बड़ा आ रहा है, लेकिन लिमिट आपने यहाँ लगा रखी है, तो आप जब आप यहाँ पर भी आप लिमिट लगाओगे तो वहां भी आपको लिमिट लगानी है, लेकिन उनके सरकार के हाथ में इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है 60% अधिक, आप 60% से 40% ही आप उत्पादन करते हैं, तो लिमिट लगाने से छोटे किसान जरूर मरेंगे,
छोटे व्यापारी जरूर मिलेंगे, मरेंगे, लेकिन बड़े व्यापारियों को और मिलर्स को और इंपोर्टर्स को उतना ही फायदा होगा। तो मेरा मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से यही अपील है कि उपभोक्ताओं को किसानों का, छोटे व्यापारियों का भी हितों का ख्याल रखना चाहिए और हमें इम्पोर्ट तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।